चौहान और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया फोर। न्यूज इंडिया फोर में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश विदेश की तमाम खबरों पर। शिवपुरी जिले में राशन माफियाओं द्वारा गरीबों के राशन पर डाका डाला जा रहा है और गरीबों को राशन न मिलने के चलते गरीबों के सामने भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई है। ताज़ा मामला शिवपुरी जिले की खनिया थाना विकासखंड के तेराही गांव का है। इस गांव के एक सैकड़ों से अधिक आदिवासी परिवारों को पिछले 3 महीने से राशन नहीं मिला है। वहीं राशन न मिलने के चलते मजबूरन एक सैकड़े आदिवासी महिला पुरुष 80 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर शिवपुरी कलेक्टर के पास अपनी आपबीती सुनाने पहुँचे, जहां कोरोना के चलते जन सुनवाई बंद होने के कारण खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की इंस्पेक्टर को राशन दुकान संचालक के खिलाफ शिकायती आवेदन दिया। तेराही गांव के आदिवासियों का कहना है कि एक सैकड़ा गरीब परिवार 80 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर अपने हक का राशन मांगने पहुंचे और इस पैदल यात्रा में 3 दिन लग गए हैं। आपका क्या नाम है? कहाँ से आए आप? क्या नाम है तुम्हारा? मदन आदिवासी। कौन से गांव से आए हो? खनिया थाना तरीगांव से आए हैं। कहाँ पर क्यों आए थे? क्यों कहाँ पर आए थे? हम इसलिए आए थे श्री कलेक्टर महोदय जी से मिलने के लिए आए थे। क्या हो गया? क्या कि हमारे 3 महीने का राशन हिच गया हुआ है। हम कंट्रोल पे जाते हैं तो वे बोलते हैं कि 1 महीना की तुम 3 किलो किसी लो मशीन पर अंगूठा लगाओ। तो इसके कारण क्या है कि जो लॉकडाउन के ज्यादा हिस्से हमारी समस्या और बढ़ती जा रही है। क्या हो रहा है? क्या मतलब क्या समस्या हो रही है? जो समस्या हो रही है कि हमारे बाल बच्चे भी भूखे हैं, छोटे छोटे हैं। तो बताओ, कोई पंचायत में काम भी नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? तो राशन कब से नहीं मिला? राशन 3 महीने से नहीं मिला है। किसी को भी नहीं मिला? नहीं मिला। कितने लोग आए? हम 100। 100 निंके आए और 3 दिन आए। पैदल आए? कितने कितनी दूर? बोलो 70-80 किलोमीटर दूर है। 80-90 किलोमीटर करीब आस पास नहीं है। तो गाड़ी मारी ट्रैक्टर वैक्टर से नहीं आया? नहीं, कुछ नहीं है, कोई साधन भी नहीं है। क्या है कि गरीब आदमी, कोई पैसा काम के होता तो हम पैसा देके कोई साधन भी कर लाते। तो पैदल आया? तो पैदल आया सर। तो 3 महीने से शिकायत नहीं की आपने? नहीं, शिकायत टूट गया था, टूट गया था, गुंजाइश नहीं मिली सर। बताइए हम किसकी मदद से जाए, क्या करें? जी, अभी जन सुनवाई में इनका एक आवेदन प्राप्त हुआ है। उस आवेदन की हम संबंधित कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी खनिया थाना से जांच करवा लेंगे। उसके बाद जो भी उसमें तथ्य आते हैं हम आपको अवगत कराएंगे। हमारे न्यूज़ इंडिया 4 चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें।